श्री कृष्ण के बारे में पांच रहस्य जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे। नंबर वन, श्री कृष्ण की गंध। प्रचलित जनश्रुति अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसीलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उपटन और इत्र आदि का कार्य दिया गया, जिसके चलते उनको सैरंध्री कहा जाने लगा था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुगंध गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। नंबर टू, सदा जवान बने रहे श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिए ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिए ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्यागा तब उनकी देह के केस न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुर्रियां पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। नंबर थ्री, श्री कृष्ण के शरीर का गुण। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वे योग और कलारी पट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। नंबर फोर, कृष्ण की प्रेमिका और पत्नियां। कृष्ण के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियां थी, लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थी। कृष्ण के जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासार जिसे नरकासुर भी कहते हैं उसके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थी, जिनको श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। ये महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन थी तो किसी की पत्नियां थी, जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। दरअसल ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद और जनश्रुतियों में इसका जिक्र है कि राधा, ललिता आदि उनकी प्रेमिकाएं थी। राधा की कुछ सखियां भी कृष्ण से प्रेम करती थी, जिनके नाम निम्न हैं: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंड देवी और सुदेवी। ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुसार कृष्ण की कुछ ही प्रेमिकाएं थी, जिनके नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। माना जाता है कि ललिता नाम की प्रेमिका को मोक्ष नहीं मिल पाया था, तो बाद में उसने मीरा के नाम से जन्म लिया। श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र महाभारत में कहीं भी नहीं मिलता है। इसके अलावा सबसे पुराने हरिवंश और विष्णु पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं मिलता। भागवत पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में कहा जाता है कि संभवतः यह चाणक्य या गुप्त काल में लिखा गया था। नंबर फाइव, श्री कृष्ण का दिल। हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय
कहानी प्रचलित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान कृष्ण का दिल का एक पिंड रखा हुआ है जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। दरअसल जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठी का रूप ले लिया। राजा इंद्रद्युम्न जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे को यह लट्ठा मिला तो उन्होंने इसे जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक यह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन यह लट्ठा उसी में रहता है। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है।